हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। देखिए कैसे बनता है, प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पे हम लिए हैं 200 ग्राम इमली। अब इसे 15 मिनट के लिए इसे पानी में भिगो देंगे। चलिए भिगो देंगे। इसमें हम डाल देंगे पानी। ये देखिए कितना अच्छा इमली फूल कर तैयार हो गया है। गैस यहाँ पर हम ऑन कर लिए हैं। अब इसे हम उबालने के लिए रख देंगे। धीमी आंच पे इसे उबाल देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मेरा इमली उबल गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, मिला लेंगे। यहाँ पे हम लिए हैं खड़ा जीरा, इसे जीरा हम डाल देंगे। जीरा मेरा लाल ब्राउन कलर का हो गया है। इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर है, पाउडर डाल देंगे। आप खड़ा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लिए हैं लाल मिर्च। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम हल्का पानी डालेंगे, चला लेंगे। देखिए मेरा पानी उबल रहा है। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, खाने वाला नमक। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुड़। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चीनी भी। देखिए पाक में तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी, पहले से बना कर रखे हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मेरा चटनी बन के तैयार हो गया है। ये कितना अच्छा बना हुआ है।